अमरा जिले के बिरसिंहपुर पाली में स्थित संजय गांधी ताप विद्युत परियोजना के कोल्हापड़ में रेक अनलोडिंग का काम करने वाले एक मजदूर को काम के दौरान गंभीर चोट लग गई, जिसके बाद ठेकेदार के द्वारा कोई मदद प्रदान नहीं की जा रही है। ऐसे में घायल मजदूर व उसका परिवार जीवन यापन के लिए बेहद परेशान है, जो प्रशासनिक अधिकारियों से न्याय की मांग की है। दरअसल प्रदेश के नामी पावर प्लांट संजय गांधी ताप विद्युत परियोजना के कोयला रेक अनलोडिंग कोल्हापड़ में पाली थाना क्षेत्र के ग्राम लखनपुरा निवासी धर्मपाल बेगा बीते कई वर्षों से मजदूरी करता चला आ रहा है, जो वर्तमान समय में सुरेश अग्रवाल नामक ठेकेदार के यहां पर कार्यरत है। बताया जा रहा है कि बीते दिन धर्मपाल कोल रेक अनलोडिंग का कार्य कर रहा था और उसी दौरान कोयला का एक बड़ा टुकड़ा उसे सिर पर आ गिरा, जिससे वह लहूलुहान होकर बेहोश हो गया, जिसे आनन फानन में शहडोल के एक अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। मजदूर धर्मपाल की पत्नी प्रियंका ने बताया है कि उसके पति के सिर में गंभीर चोट पहुंची है, जिसका सही इलाज कथित ठेकेदार द्वारा नहीं कराया जा रहा है और न ही कोई आर्थिक मदद दी जा रही है। वहीं धर्मपाल ने बताया है कि कार्य के दौरान ठेकेदार द्वारा कोई सुरक्षा उपकरण नहीं दिए जाते, जिससे आए दिन कोई न कोई घटना होती है, का विरोध करने पर ठेकेदार व कर्मचारियों द्वारा काम से अलग करने की धमकी दी जाती है। यही कार्य करने वाले मोती यादव ने बताया है कि ठेकेदार के द्वारा मजदूरों का खुला शोषण किया जा रहा है, जिसके परियोजना के अधिकारी की भूमिका संदेहास्पद है। मामले में SDOP डॉक्टर जितेंद्र सिंह जाट ने बताया है कि घटना की शिकायत पर ठेकेदार के विरुद्ध अपराध दर्ज कर लिया गया है और मामले की विवेचना जारी है। गौरतलब है कि पावर प्लांट के कोल्हापड़ में कार्यरत मजदूरों सहित अन्य ठेकेदारों के अधीनस्थ कार्य करने वाले मजदूरों को लेकर यहां के अधिकारी भी उदासीनता बनाए हुए हैं, जो कई अव्यवस्थाओं के संकेत देती है, जहां पर बहरहाल अब देखना लाजमी होगा कि इस गरीब मजदूर को प्रशासन क्या न्याय प्रदान करता है। उल्लेखनीय है कि इस संबंध में जब यहां के ठेकेदार व अधिकारियों से बात करने का प्रयास किया गया तो वह संपर्क में नहीं आ सके। सुरेश अग्रवाल बिलासपुर का, टीटी कंडक्टर रजनी चतुर्वेदी मरिया, साइकिल चार डिक्की केसियर शंकर, कोई देखने सुनने नहीं आ रहे हैं। उनको ठीक है कि अच्छा है, बोल रहे हैं कि आ रहे हैं, आएंगे, आ नहीं रहे हैं। सीरियत बहुत बढ़ रहा है, काम कान में कम सुनाई दे रहे हैं मेरे को, कमर में सर में बहुत दर्द है। 13 साल हो गए काम करते हुए, सिलेंडर कोई सेफ्टी देता है ना, कुछ भी नहीं देता है, EPF ना बोनस भी नहीं देता है, जो दे बोल रहे तो उसी के नाम काट के भगा देते हैं। मेरा भी नाम काट दिया है कि तुम केस कर दिए हो कह के। प्रियंका बैगा, कहाँ के रहने वाले? लखनपुरा। क्या हुआ? मेरे पति के सिर पे चोट लगा काम करते वक्त। कहाँ काम करते? हापड़ में, मंगथार कोयला हापड़ में। कब से चला? ये 12-13 साल से कर रहे हैं, अभी सुरेश अग्रवाल के अंडर में कर रहे हैं, तो 5-6 साल हो गया करते। क्या हुआ था घटना? क्या हुआ था घटना? घटना के लिए वो सिर पे मतलब काम करते समय लगा है, तो उनको शहडोल हॉस्पिटल में ले जाया गया और 2 दिन रखे, वहाँ से फिर वापस घर में ला के रख दिए। क्या स्थिति है उनकी? उनकी स्थिति अभी ठीक नहीं है। आपने शिकायत की है? जी हाँ, की शिकायत, लेकिन अभी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। पावर प्लांट पर क्या कार्रवाई की है? मेरे पति को कोई सुरक्षा का काम नहीं, मतलब वो नहीं, सेफ्टी नहीं दिया गया और अभी तक कोई सुनवाई नहीं भी हो रहा है। और मैं क्या करूँ, छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, तो मैं उनको देखूँ, बच्चे को देखूँ का पेट को देखूँ, अब इससे मेरे को मतलब उसे वो करना चाहिए, मतलब देना चाहिए, कुछ भी कुछ बोलते भी नहीं है कि हम करवाएंगे दवाई, नहीं करवाएंगे दवाई, ऐसा करके कुछ नहीं पूछ रहे हैं, ना तो कोई आए देखने के लिए कि सही है ठीक है नहीं है, ना तो कुछ पूछते हैं हम। पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई? पुलिस की तरफ से अभी कार्रवाई तो बोल रहे हैं पुलिस वाले कि कार्रवाई चल रही है, आप देखिए क्या होता है आगे। पावर प्लांट प्रबंधन की तरफ से कोई कार्रवाई हुई? नहीं, अभी नहीं हुई है। ये सुरेश अग्रवाल, टीटी कॉन्ट्रैक्टर रजनीश चतुर्वेदी। कौन देखता है यहां काम? रजनीश चतुर्वेदी। क्या होता है ना, कोई मजदूरों को सेफ्टी दिया जाता है, ना कोई प्रकार का उनका EPF दिया जाता, कोई दुर्घटना हो जाती है तो उनको घर में लेके सुबा देते हैं और सरकारी अस्पताल में एक आध इंजेक्शन लगवा देते हैं, इसके बाद उसके घर पहुंचा देते हैं। अगर वो पैसा मांगता है दवाई के लिए, उसको धमकी दिया जाता है कि तुमको काम से निकाल दिया जाएगा। कितने मजदूर काम करते हैं? कम से कम 500 मजदूर हैं वहाँ। क्या काम है उनका? कोयला अनलोडिंग का काम है। कहाँ
पावर प्लांट के अधिकारी कुछ करते हैं? पावर प्लांट के अधिकारी ध्यान नहीं देते उस ठेकेदार के द्वारा कोई। ये धर्मपाल बैगा है जो लखनपुरा का रहने वाला है। कोलापड़ में इसके काम करते हुए इसके सर पे चोट आई है जिस पर FIR पंजीबद्ध की गई है और विवेचना की जा रही है। सर इसमें क्या कुछ उसको राहत नहीं प्रदान किया जा रहा ठेकेदार के द्वारा क्योंकि उसके अंदर में काम करता, तो ऐसा क्या प्रयास आपके द्वारा किया जाएगा तो उस गरीब परिवार को मदद हो? उपरोक्त संबंध में अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया और संबंधित ठेकेदार को बताया गया है कि उसकी यथासंभव मदद की जाए। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए बिरसीपुर पाली से दीपू त्रिपाठी की रिपोर्ट।